हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2020 में रिलीज हुई कैनेडियन हॉरर स्लैशर फिल्म बुचर्स। इसके राइटर और डायरेक्टर हैं एड्रियन लैंगली। यूएस में ये मूवी अभी 12 जनवरी को रिलीज हुई है और मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। अब क्योंकि एक स्लैशर है इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हैप्पी एंडिंग की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं दो भाइयों को जो कि अपनी डैड मदर को दफना रहे थे। इनके नाम है ओवन और ऑसवर्ल्ड। जब वह ब्यूरल कर रहे थे तभी अचानक वहां पर एक कार आकर रुकती है। उस कार में था एक कपल जिनका नाम है सेलेस्ट और स्टीवन। उन्होंने कार रोकी नहीं बल्कि वह अचानक बंद हो गई है। स्टीवन बाहर जाकर उसे चेक करता है। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि अब क्या होने वाला है, लेकिन हम जानते हैं ऑसवर्ल्ड पीछे से उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद उसे लेस्ट को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इन्हें देखते ही हमें पता चल गया था कि ये दोनों भाई गुड गाइस नहीं हैं। अब हमें यह पता चल चुका है कि वो लोगों को कैप्चर करते हैं, लेकिन वो उनका करते क्या हैं? वो उन्हें खाते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास और भी प्लान्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे। अब स्टीवन को तो वो काट देते हैं, लेकिन सेलेस्ट को उन्होंने भी बांध ही रखा था। यहाँ से शिफ्ट होता है कई महीनों बाद। हम देखते हैं कि उन्होंने अभी तक सेलेस्ट को कैद किया हुआ है और यहाँ में उनका मोटिव पता चलता है। सेलेस्ट प्रेग्नेंट है, उसके थ्रू अपनी फैमिली बढ़ाना चाहते हैं। यह हम समझ जाते हैं कि वो मेल्स को मार रहे हैं और फीमेल्स को कैप्चर कर रहे हैं। साथ ही हम किसी अजीब से इंसान की आवाज़ सुन पाते हैं, यानी कि उनके घर में एक राज और है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और कार सेम उसी जगह पर खराब हो चुकी थी। उस कार में चार लोग थे, माइक, उसकी गर्लफ्रेंड जैना, क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड टेलर। अब वहाँ आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए माइक सीधा चलना शुरू करता है इस उम्मीद में कि आगे उसे कोई गैस स्टेशन मिल जाए। जैना उसके साथ नहीं जाती क्योंकि उन दोनों का झगड़ा चल रहा है। जैना को लगता है कि माइक उसे चीट कर रहा है। माइक अकेला जा रहा था इसलिए टेलर उसके साथ जाती है और यहाँ में पता चलता है कि जैना का शक एकदम सही है। माइक उसे चीट कर रहा है और साथ में टेलर भी क्रिस को चीट कर रही है। कई घंटों तक चलने के बाद वो दोनों एक गैस स्टेशन तक पहुंच ही जाते हैं। और आपको पता ही है कि इन मूवीज में गैस स्टेशन का क्या रोल होता है। वहां पर उन्हें मिलता है ओवन जो कि एकदम हेल्पफुल लग रहा था। उनके हेल्प के लिए वो एक टो ट्रक मंगवा देता है, लेकिन उसने ऑलरेडी सोच लिया था कि वो उन दोनों के साथ क्या करेगा। उधर जैना और क्रिस देखते हैं कि वहां पर कई सारी वायर्स बिछी हुई हैं। अब वो तो इसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, लेकिन हम देखते हैं कि वो वायर्स एक अलार्म की तरह काम करती हैं। उन वायर्स के थ्रू उन भाइयों को पता चल जाता है कि कोई उनके इलाके में है, बिल्कुल फ्राइडे द 13 के रीमेक की तरह। वो दोनों आराम से कार में बैठे थे तभी वो देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा है। वो ऑसवर्ल्ड है। अब वो दोनों बुरी तरह क्रीप आउट हो चुके थे। वेट करने के बजाय वो भी वहां से चल देते हैं। रास्ते में उन्हें मिलते हैं एक फोटो जो कि उन्हीं की थी। यहां पर हालात थोड़े सीरियस हो चुके हैं क्योंकि सुनसान इलाके में कोई उन्हें स्टॉक कर रहा है। उधर माइक और टेलर टो ट्रक का वेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी वेट करते हुए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए टेलर वहां से चल देती है। वो कहते हैं कि मुझे रास्ते में पिक कर लेना। अब वहां पर माइक अकेला था इसलिए ओवन का काम और आसान हो चुका था। वो माइक से कुछ हेल्प मांगता है और इस हेल्प के बहाने ही वो उसे बेहोश कर देता है। इधर टेलर को अकेले जाते हुए डर लग रहा था, इसलिए वो वापस गैस स्टेशन पर ही आ जाती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ओवन उसे भी कैप्चर कर लेता है। माइक को उसने अच्छी तरह बांध दिया था और टेलर को अच्छी तरह पैक करके वो अपने साथ ले जाता है। उधर जैना और क्रिस आगे बढ़ते जा रहे थे तभी उन्हें एक और फोटो मिलती है, जिसे देखकर उन्हें पता चल जाता है कि माइक और टेलर उन्हें चीट कर रहे हैं। जैना को तो इसकी उम्मीद पहले से ही थी, लेकिन क्रिस इससे बहुत दुखी था। अब दुखी होने का टाइम उनके पास नहीं है क्योंकि वो क्रेजी ऑसवर्ल्ड वहां पर पहुंच चुका है। अब जैना तो वहां से भाग जाती है, लेकिन क्रिस बेचारा नहीं भाग पाता। ऑसवर्ल्ड उसे पकड़ लेता है। जैना भाग रही थी और किस्मत से उसे एक घर दिख जाता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है क्योंकि वो घर उन भाइयों का ही है। इससे पहले कि वो उस घर में जाती वहां से एक कार गुजरती है और जैना किसी तरह उसे रोक लेती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा उसकी किस्मत खराब है क्योंकि उस कार में था ओवन जो कि टेलर को अपने घर लेकर जा रहा था और अब उसे जैना भी मिल गई। घर पहुंचते जैना जल्दी से अंदर जाकर पुलिस को कॉल करती है और वहां उसे दिखती हैं ढेर सारी फोटोज। वो फोटोज थी सभी विक्टिम्स की। यहां उसे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और हमें एहसास होता है कि स्लैशर सिर्फ बुरे फैसलों का नतीजा होती है, वो बुरे फैसले जो इंसान अपनी डेस्परेशन में लेता है। वो जैना और टेलर को चेयर्स पर बांध देते हैं। उन्हें किसी रीजन से यहां पर बांधा गया है क्योंकि हम जानते हैं कि वो उन्हें मारने वाले तो है नहीं। वहां पर बुलाते हैं क्रिस को और उन दोनों के सामने ऑसवर्ल्ड उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार देता है। ये सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ताकि वो दोनों समझ जाएं कि भागना कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैना ने हार नहीं मानी थी।
ओवन वापस गैस स्टेशन पर चला जाता है और ऑसवाल्ड क्रिस को काट रहा था। तब वो दोनों टीम वर्क की मदद से फ्री हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना चाहिए, इसलिए वो उसी जगह पर जाती है जहाँ उनकी कार खराब हुई थी। किस्मत से वहाँ पर वो टो ट्रक वाला मौजूद था, इसका नाम है विलियर्ड। वो दोनों से सारी कहानी बता देती हैं और वो जल्दी से उन्हें लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उसकी किस्मत खराब है। विलियर्ड उन भाइयों का अंकल है, वो सब साथ मिलकर ही काम करते हैं। वो उन्हें एक जगह पर ले जाता है जहाँ वो सभी विक्टिम्स के व्हीकल्स को ठिकाने लगाते हैं। कार को ठिकाने लगाने के बाद वो उन दोनों को गन पॉइंट पर वापस घर लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही पागल ऑसवाल्ड अटैक करके टेलर को मार देता है। ये उनके रूल्स के खिलाफ था, लेकिन गुस्से में उसने ही कर दिया। घर पर जाकर विलियर्ड उसे समझा रहा था कि रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। वो थोड़ा सनकी है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही सनकी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो अजीब सा प्राणी उनके घर में कैद है, वो उनका तीसरा भाई ऑक्सफर्ड है। अब किसी रीज़न से उन्होंने उसे कैद किया हुआ है, ये रीज़न भी हमें आगे पता चलेगा। खैर, उनकी बातचीत के बीच जना बड़ी चलाकी से एक ब्लेड उठा लेती है। इस बार उसे बंद किया जाता है स्लैश के साथ। उसकी हालत देखकर जेन को पता चल जाता है कि उसके साथ भी यही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि स्लैश इतनी शांत क्यों है, वो चिल्लाती क्यों नहीं। क्योंकि उन्होंने उसके वोकल कॉर्ड्स ही ख़त्म कर दिए, वो कुछ भी बोल नहीं सकती। जेना जल्दी से उसे फ्री कर देती है, लेकिन यहाँ उसने एक गलती कर दी थी। वो ब्लेड उसी के हाथ में रह गया था। इतने टॉर्चर के बाद अब फाइनली सेलेस को फ्रीडम दिख रही थी, और वो फ्रीडम वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। यहाँ वो सबसे पहले उस बच्चे को मारती है और उसके बाद वो खुद को भी मार लेती है। ऑसवाल्ड वहाँ पर पहुँचता है और उसे डर देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी था। कुछ देर बाद ओवन भी घर पहुँच जाता है और विलियर्ड ने उसे सब कुछ बता दिया था। वो जाता तो है ऑसवाल्ड को डांटने, लेकिन ऑसवाल्ड का दिमाग फिरा हुआ था। आज वो ओवन को भी मारने से पहले दो बार नहीं सोचेगा, इसलिए ओवन ने उससे माफ़ी मांगता है और उसे बाहर घूमने के लिए भेज देता है। उसके जाने के बाद सबसे पहले वो सेलेस को काटता है। इतने में जाना किसी तरह घर से बाहर निकलकर उसकी कार तक पहुंच जाती है। कार में उसे माइक दिखता है, इसलिए सबसे पहले वो माइक को फ्री करती है। अब वो दोनों फ्री हो चुके थे और अब वो सही सलामत वहाँ से निकल सकते थे, लेकिन अभी एक बुरा फैसला बाकी है। माइक गन लेकर ओवन को मारने जाता है। अब ओवन इतनी आसानी से मरने वाला तो है नहीं, फिर भी वो बड़ी आसानी से उसे मार देता है। लेकिन तभी कोई उसे भी शूट कर देता है, और वो था विलियर्ड। अब विलियर्ड ने माइक को काबू कर लिया था, लेकिन तभी जेना उसके सर में क्लेवर घुसाकर उसे मार देती है। अब माइक मर रहा था, इसलिए अब जेना को वहाँ से भागना होगा। लेकिन इस सब के बीच ऑसवाल्ड भी वहाँ पर पहुँच चुका था और उसने अपने भाई ऑक्सफर्ड को फ्री कर दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि ऑक्सफर्ड किसी तरह का डिसफिगर म्यूटेंट है, जो कि कच्चा ही मांस चबा जाता है, इसलिए उसे बंद कर रखा था। वो जेना के पीछे भागता है, फिर भी जेना किसी तरह से बचती हुई कार तक पहुँच जाती है। वो जल्दी से कार स्टार्ट करती है, लेकिन ये एक स्लैशर है, इसलिए कार जल्दी स्टार्ट नहीं होती। खैर, किसी तरह वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी ऑसवाल्ड उसे शूट कर देता है। इसी सदमे के साथ निहाई मूवी एंड हो जाती है। तो मैंने पहले कहा था कि हैप्पी एंडिंग की उम्मीद मत करना। अब इस मूवी का कॉन्सेप्ट आपको कुछ ज़्यादा न्यू नहीं लगा होगा, एक काइंड ऑफ रॉन्ग टर्न, टेक्सास चेंसो मैसेकर और द हिल्स हैव आइज़ का मिक्स है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक कैनेडियन फिल्म है, और कहना पड़ेगा कि आजकल कनाडा में एक से बढ़कर एक हॉरर मूवी बन रही है। हर एक स्लैशर की तरह इसमें भी हम यही सोच रहे थे कि लास्ट में एक लड़की बच जाएगी, लेकिन मूवी की एंडिंग किसी सदमे से कम नहीं थी। अब इसकी खासियत इसकी एंडिंग नहीं, बल्कि इसमें की गई एक्टिंग है। हर एक एक्टर ने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि डिसाइड करना भी मुश्किल है कि कौन बेस्ट था। और एंड में हमने देखा कि इस फैमिली में एक म्यूटेंट भी था, यानी कि ऑर्डर कुछ इस तरह था। सबसे बड़ा भाई सबसे स्मार्ट था, दूसरा भाई थोड़ा क्रेजी था, और तीसरा भाई तो बिल्कुल ही अजीब था। तो यहाँ पर हमारे सामने एक और डाउट आता है कि शायद वो दोनों भाई कैनिबल्स नहीं थे, बल्कि सिर्फ वो तीसरा भाई कैनिबल था, यानी कि सिर्फ वही इंसानों को खाता था। वो सिर्फ उसका पेट भरने के लिए लोगों को मारते थे, बाकी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए वो फीमेल्स को पकड़ते थे। तो मूवी डेफिनेटली वर्थ अ वॉच है। ज़्यादा टाइम तक आप इसे याद नहीं रखोगे, लेकिन फिर भी ये मूवी इफेक्टिव है। तो आप बताइए, आपको ये मूवी कैसी लगी? क्या ये रॉन्ग टर्न रिबूट को टक्कर देने के लायक है? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक भी ज़रूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपका पीछा कर सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।